फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इडियापम। आमतौर पर ये रेडीमेड इडियापम फ्लोर से बनाया जाता है। हम इस रेसिपी के लिए आज चावल का आटा यूज करेंगे। एक थिक बॉटम पैन में डालें चावल का आटा और कम फ्लेम में आटे के गर्म होने तक भून लें। बीच बीच में चलाते रहें। स्टोव को स्विच ऑफ करके अलग रख लें। अब एक सॉस पैन में डालें पानी, नमक और तेल। इसे मध्यम फ्लेम पर उबाल लें। अब इसे तुरंत भुने हुए चावल के आटे में डाल के अच्छी तरह से मिला लें। 10 से 15 मिनट के लिए बिना छेद वाले ढक्कन से कवर करके रख दें। इस बीच में आप जिस बर्तन में इडियापम बना रहे हैं उसमें एक या दो कप पानी डाल के गर्म होने दें। इडली प्लेट को तेल या घी से ग्रीस कर लें। इडियापम मेकर के अंदर के भाग को भी ग्रीस कर लें। अगर आप पहली बार इडियापम मेकर यूज कर रहे हैं तो इसके स्टेप बाय स्टेप विवरण के लिए बोनस टिप सेक्शन को देखना ना भूलें। अब इस डो को एक मिनट के लिए गूंद लें। आटा बहुत गर्म हो सकता है, सो ध्यान से छुएं। अगर ये छूने के लिए बहुत गर्म है तो इसे एक से दो मिनट के लिए ठंडा होने दें और जब छूने लायक हो जाए तो गूंदना शुरू कर दें। इस तरह के बॉल बना के इडियापम मेकर में भर दें। अब इसे प्रेस करके निकल रहे स्ट्रिंग्स को इडली प्लेट्स में डाल लें। आप या तो हाथों से या स्पून से एक्सेस तार को काट सकते हैं। अब प्लेट्स को अरेंज कर लें। ऊपर का प्लेट नीचे प्लेट के मोल्ड के बीच में आना चाहिए। इसे उबल रहे पानी वाले बर्तन में ट्रांसफर कर लें और माध्यम फ्लेम में 10 मिनट तक या इडियापम के पूरी तरह से पकने तक स्टीम कर लें। ज्यादा देर के लिए ना पकाएं, नहीं तो इडियापम हार्ड और ड्राई हो जाएगी। इसे 3 से 5 मिनट तक ठंडा होने दें और फिर इडली प्लेट से निकाल दें। सॉफ्ट इडियापम तैयार है। अपने मन पसंदीदा साइड डिश के साथ सर्व करें। आने वाले वीडियो में हम इसका एक फेमस साइड डिश रेसिपी देखेंगे। आटा बनाने के लिए आवश्यक पानी पूरी तरह से उपयोग किए गए चावल के आटे पर निर्भर करता है, सो सही कंसिस्टेंसी आने तक आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लें। गूंदे आटे को ज्यादा ठंडा ना होने दें, क्योंकि इससे इडियापम मेकर में प्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। गर्म आटा ही यूज करें। गूंदने के बाद डो नरम होना चाहिए। अगर ड्राई लगे तो थोड़ा गर्म पानी छिड़क के फिर से गूंद लें और अगर चिपचिपा लगे तो थोड़ा चावल का आटा ऐड कर लें। आप इडली प्लेट को ग्रीस करने के लिए तेल या घी के बजाय केले के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। इडियापम मेकर को प्रेस करने पर ये तार इडली प्लेट्स पर लगातार गिरने चाहिए। अगर ये तार टूट रहे हैं तो आटे की कंसिस्टेंसी सही नहीं है। डो को हमेशा कवर करके रखें, नहीं तो ये सूख जाएंगे। अगर आप इडियापम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी के उबलते ही फ्लेम कम कर लें और इडली प्लेट्स को अंदर रख लें। विसल के बिना ढककर माध्यम फ्लेम में 10 मिनट तक या इडियापम के पूरी तरह से पकने तक स्टीम कर लें। इडियापम मेकर के कई वैरायटीज हैं। आज हम हैंड प्रेस इडियापम मेकर के बारे में देखेंगे। इस मेकर के 4 भाग हैं। हम सबसे छोटे छेद वाले डिस्क यूज करेंगे। इस डिस्क को डिस्क अटैचमेंट में रख के सिलिंड्रिकल कंपार्टमेंट के साथ स्क्रू कर दें। यहाँ हम ढो भरते हैं। ढो भर कर हैंडल को अटैच कर लें। अब हाथ को फर्म रख कर नीचे के हैंडल को दबाना शुरू करें। इससे आटा डिस्क के छेद से बाहर आ जाएगा। सारे आटे के बाहर आने के बाद इस हैंडल और छोटे बटन को प्रेस करते हुए प्रेसर को ऊपर खींचें। अब हैंडल को खोलकर फिर से डो को भर लें। बचे आटे से यही स्टेप्स दोहराएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।